सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मैं आपका फौजी द वेडिंग सोल्जर यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आज हम करके आए हैं बहुत सारा खर्चा मतलब बहुत सारा खर्चा। इतने सारे बुक्स खरीद के आए हैं, कुछ बुक्स मिले नहीं जो कल या परसों मिलेंगे। तो अभी आज हम देखते हैं कि खर्चा किस चीज़ पे हुआ। ब्लैक बॉक्स मतलब कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं फूजी फिल्म XT3 वर्टिकल बैटरी ग्रिप, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे ये लगनी किस पे है। ओ फ्यूजिनॉन 90mm फिक्स लेंस, फिक्स अपर्चर, VR वेदर रेजिस्टेंट, एकदम सील पैक, इसको भी बाद में खोलते हैं। 1655 2.8 वेदर रेजिस्टेंट, मस्त चलेगा, मतलब गर्मी सर्दी हर जगह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी बाद में देखते हैं। वो ज़्यादा ऊंचा टीला होता जा रहा है। और अब सबसे मेन, ओहो ये फ्री वाला सामान पहले निकल के आ रहा है, मतलब चिपक के आ गया कि मैं फिर आया हूँ 16GB का मेमोरी कार्ड, अभी नहीं चाहिए। ये है हमारा फूजी XT3, सील बंद है तो खोलते हैं। ओ जय माता दी वगैरह बोल लेना चाहिए, जय माता दी। चलो नहीं चाहिए यार, दो दो जगह टेप लगी है, किधर? हाँ मुंह इधर है इसका, तो शांति से खोलते हैं एकदम बिल्कुल। और ये खुली सील, वन खुलते सार सबसे पहले में मिला है वारंटी कार्ड, जरूरी है आपके कैमरा की टाइम टू टाइम सर्विस, सेंसर क्लीनिंग, फर्मवेयर अपडेट, जो भी चीज़ आपको करवानी है आप इसकी सहायता से फ्री में करवा सकते हैं, तो ये संभाल के रखना है। ओहो अब इनको कौन बताए, मुझे चाइनीज नहीं आती, एक तरफ इंग्लिश में भी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी ये सब लिखा है। हमें इसके साथ मिली है एक यूज़र गाइड, यूज़र गाइड में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इन्होंने साथ में कैप्चर वन, एक हमारा फ़ोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। वैसे मैं बुकलेट कभी खोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं इसका डिजिटल वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ, बट कैप्चर वन की वजह से मुझे इसे खोल के देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ओह मुझे लगा शायद कोई एक डेढ़ साल के लिए कैप्चर वन का सब्सक्रिप्शन फ्री होगा, बट ये कुछ नहीं है, बस इसमें ये लिखा है कि कैप्चर वन फ्यूजी फिल्म फॉर ऑल एक्स एंड GFX यूजर्स के लिए अलग से है, आप वहाँ से ले सकते हो ताकि आप अच्छे से काम कर सको। तो थैंक यू ये बताने के लिए कि कैप्चर वन के साथ हम इसमें बहुत अच्छा खेल सकते हैं, बाकी तो हम खेल ही लेते हैं। इसको रखते हैं वापस पैक करके। यहाँ आपको एक QR कोड मिल रहा है क्योंकि ये कैमरे के अंदर ब्लूटूथ वाईफाई सब कुछ है, आपको कनेक्शन के लिए जो भी क्रिएट करना है आप इसे स्कैन करो, एप्लीकेशन आएगी डाउनलोड करो, उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ओ हो 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 ये आई इसमें अंडे की ट्रे, इसी मटेरियल के अंडे की ट्रे होती है। चलो देखते हैं इसमें हमारा क्या निकलेगा। वाह कैमरा देख के दादा की याद आ गई, ऐसे कलर के तभी आते थे। बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, एकदम जबरदस्त, देख रहे हो, मतलब कि एक देखने के बाद एक अलग ही फीलिंग है, क्या जबरदस्त फीलिंग है। ओ डिस्प्ले मस्त टिल्ट होता है, दूसरा तरीका डिस्प्ले का, वाव लोअर एंगल अप एंगल, कि लुक इतनी अच्छी है कि दिल नहीं कर रहा कि इससे आगे बढ़ूं,
कि और क्या क्या है। मस्त दिख रहे सेंसर, क्रॉप सेंसर है बट जानदार जबरदस्त। अब इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं डब्बे में और क्या कुछ है। कसम से गजब गजब मजा आया देख के, बड़े प्यार से रखने का इसको पीछे। अभी हमें इसमें एक और स्मॉल बॉक्स निकला है, डब्बा खाली, ओपन साइन मतलब इधर से ओपन। वाव जबरदस्त। सबसे पहले एक बैटरी, कुछ दबी हुई सी लग रही है, चलेगी पर अच्छा चलेगी, फूजी फिल्म लिथियम बैटरी गजब, इसको रखते हैं साइड में। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर मुझे लग रहा है क्योंकि ये शेप है ना, शेप के हिसाब से चलो तो ये ऊपर रखो एंड प्रेस, लग गया अच्छा है, बट अच्छा नहीं है क्योंकि जब आप कहीं पे जाते हो एक स्लॉट है उसके बाजू में दूसरा स्लॉट है, आपने ये लगाया बाजू वाले का भी आपने ब्लॉक कर दिया, तो अच्छा होता अगर यहाँ डबल पिन होती। बाकी अपने बॉक्स में कुछ और नहीं है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने खाली किट ली है XT T3 की। क्यों ली है उसका एक रीज़न है, मुझे चाहिए थे मेरी मर्जी के लेंस। इसके साथ में जो किट लेंस में 15-55 आता है वो वेरिएबल है, वेरिएबल एफ स्टॉप है, 2.8 से 4 है, पता नहीं 5.6 है, पर वो पसंद नहीं आया। इसके लिए हमने लिया 16-55 फिक्स 2.8, मतलब गजब जैसा है वैसा ही रहेगा। वाह बहुत सारी किताबें बिना मतलब की, इतना पढ़ लिख लिया होता तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मोटा इंजीनियर नहीं होता। वाह मस्त कपड़ा है, मस्त फ्यूजी फिल्म लिखा है, मतलब इसमें अपनी कैमरे की बॉडी बैग में रखी जाएगी बिल्कुल इज्जत के साथ। ओ कैसे फटे फटे निकल रहे हैं। हाँ दोस्तों ये है, आप ये रेड कलर देख रहे हैं, मैं इसको सबसे पहले क्लेरिफाई कर दूं, ये फ्यूजी फिल्म के रेड बैज वाले लेंस है। रेड बैज मींस उनके सबसे टॉप क्लास हाई एंड लेंसेस जो सबसे अच्छी क्वालिटी देते हैं, मस्त। जैसे आजकल न्यू ट्रेंड कैनन ने स्टार्ट किया 3 रिंग वाले लेंस, एक में उनका ISO होता है या अपर्चर जो मर्जी कर लो, तो उन भाई साहब ने भी काफ़ी पहले से वो कर रखा है। ये पहली रिंग अपर्चर आवाज़ आपको आ रही होगी, दूसरी टेलीवाइड के लिए, तीसरी फोकस के लिए। तो दोस्तों अभी तो मैं खाली ये बता रहा हूँ कि इस बॉक्स में से मैंने जो ख़रीदा है क्या क्या है, जल्दी मैं इसके रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगा कि ये कैसा काम करते हैं। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड पे क्योंकि अभी अपने पास बॉक्स बहुत है, बहुत खर्चा किया आज अपन। और सबसे मेन बात, ये जो खर्चा हुआ है इस खर्चे में मेरे घर पे किसी को नहीं पता, जैसे आपके लिए ये वीडियो एक सरप्राइज है वैसे मेरे पापा के लिए भी है, सर्विस होने वाली है दबा के। दूसरा हम उठाते हैं फ्यूजी फिल्म। जैसा कि आप सब जानते हैं एक सबसे मस्त बात, मेरा नाम फौजी, मेरा नया हैशटैग होगा फौजी का फ्यूजी, मस्त है। और ये हमने, ये मैंने दूसरा लेंस खरीदा है 90mm जो कि क्रॉप होने की वजह से मेरा कैमरा ये मुझे देगा नियर अबाउट 135 का F20 का मतलब 2.0 20 नहीं 2 का अपर्चर, बम होने वाला है क्वालिटी में। तो खोल दो खोल दो खोल दो, और इंतज़ार नहीं हो रहा। हाँ मस्त, मतलब कि आप ना कोई भी चीज़ लेते हो तो उससे पहले आपकी जो फीलिंग होती है खाली बॉक्स पे आप मस्त फीलिंग। वाह वाह ये मतलब थोड़ा सा बॉक्स वॉक्स फेंकने का नहीं है क्योंकि संभाल के रखो, बहुत पैसे से आए हैं, बॉक्स का भी पैसा दिया है तो फेंकने का नहीं। मस्त फिर से वही कपड़ा मतलब कवर, बट फ्यूजी फिल्म ने जो मटेरियल यूज़ किया है जो कवर्स में
वो एकदम गजब शानदार है। मतलब कि आप उससे अपने लेंस को साफ भी करोगे ना, वो इतना स्मूथ है कि वो लेंस क्लीन करेगा, स्क्रैच नहीं डालेगा। जो कि मैक्सिमम कोई भी आप रफली कपड़ा कोई भी लेते हो उससे साफ करते हो, वो आपके कैमरे की शाइनिंग को हार्मफुल रहता है, क्योंकि वो जो बिल्कुल बारीक बारीक डस्ट होती है ना उसके साथ स्क्रैच करके शाइनिंग फिनिश कर देता है। एग्जाम्पल सबके घर में होता है, अगर ढंग की अच्छे साबुन से बर्तन ना साफ करो ना, कुछ दिनों बाद चमक चली जाती है। छोड़ो, खुद घर की बात है ये, फिर से वारंटी कार्ड चाहिए था, किताब पढ़े लिखे लोगों के लिए। खुशी इतनी है कि मजा आ रहा है, कुछ भी बोल रहा हूँ पर मजा आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम हुड 90mm का, सिंपल एंड सोबर, कुछ फालतू का ज्ञान नहीं दिया। इधर फ्यूजी फिल्म लिखा है, इधर 90 लिखा है, कुछ कंपनियां इधर ज्ञान दे देती हैं। ओ भाई साहब, बॉक्स में बुक्स है ज्ञान देने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी वाव, मस्त एकदम फिनिशिंग, भाई साहब को साइड में करते हैं, बहुत फैला दिया हमने, बहुत खरीदा है, दबा के करता कि आज हिल रहा है लेंस के एलिमेंट वगैरह। ये इसमें से एक थैली निकली है, थैली मतलब पैकेट निकला है, इसके अंदर चीनी भरी है, चीनी चीनी मतलब ये सिलिका की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, गोलियां होती हैं, जिससे आपके कैमरे में लेंस में मॉइस्चर आता है तो ये उसको सोख लेती है। ये इसलिए बताया क्योंकि इसकी पैकिंग जैसे होटल में चीनी के पैकेट मिलते हैं ना वैसी है, पी मत जाना भाई कोई। ये मुंह मीठा करने के लिए देते हैं, ये मुंह मीठा करने के लिए देते हैं बॉक्स में, सबसे बड़ी बात। आप जैसे भी कोई नया बॉक्स खोलोगे उसमें से निकलेगा कि आप उससे अपना मुंह मीठा कर लो। ओहो, सबसे पहले VR वेदर रेजिस्टेंट, इसमें भी दो रिंग मतलब फिक्स है तो आगे पीछे होने के लिए कुछ नहीं है, फोकस स्मूथ, और ये अपर्चर मस्त है, मस्त है। ये है मेरा 90mm जो कि हो जाएगा 135। बहुत अच्छा, एकदम मज़ा आया। और अभी भी जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास एक बॉक्स अभी भी पैक है, तो मैं इसको ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बता दूँ, इस पर लिखा है ब्लैक नॉयर। जैसे कि आपने मेरी ये वाली बॉडी देखी, ये मेरी सिल्वर है, सेम दूसरा जो पीस मेरे बॉक्स में है वो टोटल ब्लैक है, तो उसको खोलने जाऊँगा, सब कुछ सेम चीज़ है। ये मेरा कैमरा, ये मेरा लेंस। ये तो थी दोस्तों कि आज मैंने जो खर्चा करा वो क्या क्या है, क्या क्या चीज़ हमें मिलती है। अब सेकंड थिंग आती है कि इसका काम क्या है, यूजेस कैसा है और इसकी आउटपुट क्या है, वो हम देखेंगे जल्दी। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं जो भी ट्राई करूँगा का, जो भी सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊँ वो इसके यूजेस की बनाऊँ कि इसकी आउटपुट क्वालिटी कैसी है, और आपको इसके बारे में जानकारी दूँ, इसका रिव्यू शेयर करूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा आज फनी कॉमेडी में। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी जानना है कमेंट करो। सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।